वनकम वेलकम बैक टू माय चैनल नो लॉन्ग ब्लॉगिंग। आज मैं जा रहा हूँ घर, घर जाने के लिए मैं लूँगा ट्रेन, मम्बलम से एमजीएस चेन्नई सेंट्रल जाऊँगा, उसके बाद वहाँ से जाऊँगा तिरुत्तनी, उसके बाद तिरुत्तनी से डायरेक्ट पुरले एक्सप्रेस से घर जाऊँगा। मेरा बड़ा भाई वहाँ पे काट पार्टी पे, तो वो पुरले एक्सप्रेस पे चढ़ेगा, तो मैं और वो मीट करेंगे वहाँ पे तिरुत्तनी पे। फिर मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ से रूट कैसे कैसे जा रहा हूँ, सब कुछ दिखाऊँगा। बीच जाने वाली ट्रेन आ चुकी है, ये वाला ट्रेन ही जाएगा द पार्क तक, तो ये वाली ट्रेन से ही मैं जाने वाला हूँ। ये वाला ट्रेन जाएगी आपका एमजीआर चेन्नई सेंट्रल के बगल वाला स्टेशन है द पार्क, तो द पार्क में मैं उतरूँगा, फिर वहाँ से पैदल जाना पड़ेगा रोड क्रॉस करके, फिर उसके बाद एमजीआर पे मैं लूँगा ट्रेन जो जाएगा फिर जाएगा। तो मैं द पार्क पहुँच चुका हूँ, यहीं पर बहुत सारा धूप है जो एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा हूँ मैं, तो इसलिए सन ग्लास लगा लिया। तो यहीं से जाना है मुझे एमजीआर चेन्नई सेंट्रल, जो उस साइड में पड़ेगा, रोड क्रॉस करना पड़ेगा मुझे उसके लिए। तो वहां से मुझे तिरुत्तनी का ट्रेन मिलेगा, जो तिरुत्तनी का ट्रेन अभी मतलब मुझे जाना है सर्वनल टर्मिनल, जिसमें से लोकल ट्रेन जाता है, तो वो वाला लोकल ट्रेन से मैं चलूँगा तिरुत्तनी, और वहाँ पर तिरुत्तनी पर रहेगा मेरा बड़ा भाई, आएगा वो 4 बजे ट्रेन पहुँचेगा वो, तो वहाँ पर हम लोग मीट करेंगे फिर से। आप लोग देख सकते हैं चेन्नई का मेट्रो का ये टर्मिनल है, कितना अच्छा है, कितना अच्छा है जगह का डेकोरेशन है, पूरा ग्लास बैठाया हुआ है। तो इस साइड से हम लोग जाएंगे ट्रेन के लिए, बेसिकली जाना नहीं पड़ता था, फिर भी हम जा रहे हैं क्योंकि मैं आपको ये मेट्रो का ये व्यू दिखाने के लिए अंदर आया। तो फिर से मैं निकल पड़ा हूँ चेन्नई का वो मेट्रो से, तो अभी ये है सुपरमन टर्मिनल, इसमें मैं जाऊँगा। वहाँ से लोकल का टिकट ट्रेन लेना पड़ेगा क्योंकि एक्सप्रेस अभी है नहीं, वो 3:30 बजे स्टार्ट होता है, तो अभी ये जो लोकल लूंगा मैं वो जाएगा तिरुत्तनी। देखो देखो धरंदर की चेहरे से टपकती है, नंबर 1 का कबीना है। 2 बजे पहुंच जाऊंगा, तो 4 बजे मेरा ट्रेन है, आराम से वहाँ पे लंच वगैरह कुछ कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अभी मैं ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन में से तिरुत्तनी का एक टिकट निकालूंगा, जो 25 रुपीज बोल रहा है, तो लोकल है क्योंकि एक्सप्रेस का टाइमिंग बहुत डिफरेंट है, तो मैं लोकल में इसमें चले जाने के लिए टिकट करूंगा। बस देखूंगा उसका टाइमिंग क्या है, 11:45 बोला, कितना बजे पहुंचाता है मेरा टाइम में, वो पहुंच पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा, बस यही है। मैं टिकट ले चुका हूँ, अभी बस जा रहा हूँ स्टेशन की तरफ, बैठना है क्योंकि अभी तो बज रहा है कुछ लगभग 11 के करीब, तो अभी आधा घंटा 45 मिनट मुझे बैठना पड़ेगा बस। तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ तिरुत्तनी, और यहीं पे बहुत ज़्यादा गर्मी है। और एक चीज़ इंडियन रेलवेज का क्या पता है, ये जो भी हर स्टेशन में फ़ैन रहना चाहिए, ये वाला स्टेशन में एक भी फ़ैन नहीं है, पूरा इतना लंबा स्टेशन है एक भी फ़ैन कहीं नहीं मिला, इतना गर्मी है। और मतलब आप लोगों को तो पता ही है साउथ साइड में कितना गर्मी रहता है, तो पॉसिबल नहीं होता इंसान के लिए रहना यहीं पे, लोग जन खा रहे, ये दुकान भी नहीं अच्छा, मैं सोचा था लंच वगैरह कर लूँगा, पर यहीं पे सिर्फ चाय मिलेगा आपको, लेज वगैरह ये सब, चिप्स कुरकुरे ये सब मिलेगा, खाना कुछ है नहीं। बस अभी 4 बजे तक मुझे, 2 बजे में पहुँच चुका हूँ, अभी 4 बजे तक मुझे रहना पड़ेगा यहीं पर, फिर 4 बजे आएगा ट्रेन, उसके बाद पेंट्री कट रहता है तो उसको वहीं से ऑर्डर करना पड़ेगा, नहीं तो ऑप्शन नहीं है कुछ खाने के लिए यहीं पे। बहुत ख़राब सिस्टम है यार, कुछ तो खाना वगैरह रहना चाहिए हर स्टेशन में। ट्रेन आ चुकी है, तो 2 घंटा बाद ट्रेन आ चुका है, अभी हो रहा है टाइम 4:20, थोड़ा लेट है, 20 मिनट लेट चल रहा है। अभी आफ्टर 3 मंथ बड़ा भैया से मुलाकात होगा थोड़ा देर बाद, अभी जस्ट हम इस 6 में है मेरा कंपार्टमेंट, मैं वहाँ पे जाके उठ के बताता हूँ कहाँ है कंपार्टमेंट, पहुँच चुके हैं। तो मैं अभी ट्रेन पे उठ चुका हूँ, अभी आ रहा हूँ, फिर उससे मुलाकात करता हूँ, कैसा सीन है उसका, जर्नी कैसा रहा, मैं उसको जाके पूछता हूँ, बाकी देखते आगे जाके क्या सीन है। एवरीवन सब कैसे हो, बड़ा भैया आया मेरा, अभी ये काटपाटी से आ रहा था, तो अभी मैं तिरुत्तनी में चढ़ा हूँ, तो अभी वो लोग बहुत पहले चढ़ चुका था, अभी वो बोलेगा उसका जर्नी कैसा था, वो बहुत मॉर्निंग में निकला था घर से। नहीं मैं सुबह 6 बजे निकला था, तो उधर से ट्रेन पकड़ा बेंगलोर से, बेंगलोर से आया काटपट्टी, 11 बजे उतरा हूँ, फिर उधर काटपट्टी में कुछ देर होल्ड किया था, उधर से ट्रेन पकड़ा फिर 2 बजे ट्रेन पकड़ के, भैया के साथ अभी मुलाकात हो रहा है, अभी थोड़ा फिर सही लग रहा है क्योंकि भैया भी बहुत दिन बाद आया, तो दोनों का साथ मुलाकात थोड़ा अच्छा ही लग रहा है। आप लोग कैसा है अभी बताना, और हमारा वीडियो लाइक करें सब्सक्राइब करें। तो अभी हम लोग अभी मिल चुके हैं, अभी हम लोग अपना सीट पे बैठे हैं, तो अभी जस्ट वेट करेंगे टीटी का आने का, फिर हम लोग चाहेंगे हमारा सीट स्वाइप करने के लिए, क्योंकि एक सीट में दोनों को मिला है, अगर पॉसिबल होता है तो हम लोग 2 सीट कर लेंगे, बाकी आप लोगों को ब्रीफ देते रहेंगे। बाय बाय अभी के लिए। अभी हम लोग थोड़ा बादाम खा रहे हैं, साथ में कोल्ड ड्रिंक भी है,
तो अभी हम लोग यहीं पे डिनर कर रहे हैं। डिनर पे है ये रोटी है और ये पूरी लाए थे भैया रूम से, और ये एक सब्जी लिया हम लोग आलू का सब्जी, और इसमें है पेड़ा। बस यही कुछ हम लोग डिनर पे कर सकते हैं क्योंकि ट्रेन पे पेंट्री कार्ड नहीं है और मिला भी कुछ नहीं है बस। तो गुड मॉर्निंग हो चुका है और रात को नींद थोड़ा भी नहीं आया क्योंकि एक सीट में दो जन को रहना पड़ा। ऊपर से सुबह में मच्छी मार्केट में लग गए थे कुछ आंटी लोगों का काम काम करते करते, तो फिर अभी देखते हैं सोना क्या होता है। रात को अच्छा नींद नहीं आया, अभी सुबह से कुछ ब्रेकफास्ट भी नहीं आया अच्छा खासा, बस ये चिप्स वगैरह चाय बिस्कट ये सब में चल रहा है। पेंट्री कार्ड नहीं होने का बहुत नाफायदा होता है वो हम लोगों को अभी फेस करना पड़ रहा है, देखते हैं लंच में क्या मिलता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये चिल्का लेक है जो अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं, इसका लेंथ बहुत बड़ा है। मैप से मैं आपको व्यू दिखा दूंगा, जैसे कि मैं आप लोगों का बात बताया था कि चिल्का लेक ये देख सकते हैं आप लोग, ये है रेलवे का रूट, यहीं से मैं आप लोगों को वीडियो शूट करके दिया था, और ये है चिल्का लेक। आप देख सकते हैं कितना बड़ा इसका लेंथ है, तो ये वाला लेक हम लोग क्रॉस करके आए हैं और इसका लेंथ इतना बड़ा है कि हम लोग एक साइड से और एक साइड तक देख नहीं पा रहे थे। तो खाना आ गया, अभी हम लोग खाना ले रहे हैं। सब उसके अंदर है, टिशू टिशू सब उसके अंदर है, टिशू दिया आगे ले जाते हम लोग। कैसा लग रहा है? तीन चाहिए, तीन 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 चाहिए। सो खाना अभी आ चुका है, अभी हम करेंगे ओपनिंग। खाना का क्या दिया है 150 करके पड़ रहा है कुछ लगभग, और अभी मेरा तो वेज है, पनीर है, उसके साथ जीरा राइस है। तो अभी कितना क्वांटिटी करके दिया है और क्या मील है मैं देखता हूँ, और भैया लोगों का क्या है मालूम नहीं, देख के आप लोगों को दिखाता हूँ क्या दे रहा है। ये हम लोग ऑनलाइन से ऑर्डर किया है क्योंकि ये पेंट्री कार्ड नहीं है इसमें, तो बाहर से मतलब ये प्लेटफॉर्म से ये लोगों का कैंटीन है, वहाँ से ये लोग बना के हम लोगों को प्रोवाइड किया है। ट्रेन रुकता है वो लोग आके तुरंत हम लोगों को सर्व करके जाता है, तो अभी अपना अपना सब देख लेते हैं। अभी तीन हमने ऑर्डर किया है, 450 पड़ा है, तो अभी बाकी क्या अंदर है वो देखते हैं थोड़ा देर में। ये खाना है 150 का, इसमें पनीर है, इसमें चना मसाला है और इसमें दाल है, इसमें जीरा राइस है, एक उसके साथ साथ चिकन भी दिया है। ये है कर्ड, इसमें स्वीट भी है और सलाद दिया है, और ये तीन चपाती दिया है उसके साथ साथ, और ये सफिशियंट है क्योंकि ट्रेन में इतना अच्छा नहीं मिलता है, क्योंकि हम लोग कैंटीन से मंगवाया तो इसलिए अच्छा आया है। तो जैसे कि ये वाला ट्रेन है इसमें हम लोगों को कुछ खाने का या ब्रेकफास्ट जैसे इवनिंग में स्नैक्स वगैरह कुछ मौका नहीं मिला, क्योंकि ये वाला ट्रेन में हम लोगों को बस टाइम टू टाइम जब स्टेशन आ रहा है बस तभी हम लोगों को कुछ मिल रहा है, उसके बाद मुझे हम लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है, तो हम लोग नहीं पाएंगे। और आईआरसीटीसी को मैं ये बात बोलना चाहता हूँ कि मतलब जो ये ट्रेन में पेंट्री कार्ड नहीं है उसको ऐड करने के बारे में आप लोग सोचिए, क्योंकि हर ट्रेन में होना चाहिए अभी। तो अभी हम लोग बिंदापुर स्टॉपेज पे खड़े हैं, इसके बाद विष्णुपुर आएगा फिर बांकुड़ा आएगा, तो हम लोग ऑलमोस्ट घर पहुंच चुके हैं और लगभग 70-80 किलोमीटर है। तो अभी मिदनापुर में हम लोग टाइम से पहले पहुंच चुके हैं, यहाँ पे 20 मिनट या 30 मिनट से खड़ा रहेगा ट्रेन, तो 7:25 को हम लोग यहीं से डिपार्चर करेंगे। तो बांकुड़ा में ऑलमोस्ट 8:45 इसका टाइमिंग है, लगभग 9 बजे तक हम लोग रीच हो जाएंगे। वहाँ पर हम लोगों को लेने के लिए हम लोगों का दोस्त आ रहा है टोटो लेके, तो बस वहीं से हम लोग निकल जाएंगे फिर। तो जैसे कि अभी मिदनापुर में हम खड़े हैं, तो मैं अपना बड़ा भाई से पूछना चाहता हूँ उसका एक्साइटमेंट कितना हो रहा है घर जाने के लिए, कैसा एक्साइटमेंट है? घर जाने का मजा ही तो अलग है कुछ, बहुत दिन बाद घर जा रहा हूँ तो इसका एक्साइटमेंट तो कुछ अलग ही होगा, होना भी चाहिए। और घर का एक अलग ही है, बाहर में रहना अकेला अकेला, घर का मजा कुछ अलग ही है। और घर जा रहा हूँ इस बार, वो तो एक सीक्रेट भी है जो बाद में रिवील होगा आगे ब्लॉग में। अच्छा, तो एक सीक्रेट है जो हम लोग बाद में रिवील करने वाले हैं, वो अभी नहीं बताएंगे, नेक्स्ट उसके लिए अलग से ब्लॉग आएगा जो हम लोग रिवील करेंगे, थोड़ा 2-4 दिन बाद ही उसका ब्लॉग आएगा।
तो अभी हम लोग बांकुड़ा पहुंचेंगे, फिर वहां पे उसका ब्रीफ देंगे कैसा रहा हम लोगों का सफर। अभी तो अभी ट्रेन छूटने वाला है, अब दो चार मिनट बाकी है, तो अभी निकलते हैं, बाद में बांकुड़ा में शूट करते हैं बाकी वाला सीन। फाइनली अभी हम लोग बांकुड़ा स्टेशन में पहुंच चुके हैं, मेरा भैया वहां पे पानी ले रहे हैं, तो अभी हम लोग बस जाएंगे यहीं से रेलवे स्टेशन के बाहर चलेंगे, वहां पे हम लोगों का लिए गाड़ी आया है, बस आया है, क्योंकि वही हम लोग बोले थे कि हवा में जाएंगे घूमते घूमते, बस अभी जाएंगे वहां दिखाएंगे क्या चीज़ है फिर निकल जाएंगे। तो फाइनली अभी हम लोग टोटो में आ गए बांकुड़ा से, 35 किलोमीटर हम लोग टोटो में सफर किए, ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है हम लोगों का कि टोटो में सफर कैसे, और ये ब्लॉग का एंड है, अगला ब्लॉग में जो सरप्राइज वाला ब्लॉग है वो नेक्स्ट आएगा जल्दी जल्दी, तो बाय बाय इसके लिए, ओके।